हियर यू गो। जी तो बच्चों प्लीज मुझे ये बताएंगे। ओके ओके मलाइका, आप मुझसे रोजाना कहते हो इस वर्कशीट की आंसर की का, और मुझे रोजाना भूल जाती है, मुझे रोजाना भूल जाती है। अभी जब मैं नमाज की ब्रेक दूंगा ना, प्लीज मुझे उस वक्त जरा कॉल कर लेना, ठीक है? मुझे उस वक्त एक मैसेज दोबारा कर लेना, मैं तब भेजता हूँ आपको। पड़ी हुई है मेरे पास, पड़ी हुई है। बाबर एक काम करो, मेरे पास वो क्वेश्चन शीट और आंसर शीट दोनों मिला के पड़ी हैं क्वाड्रेटिक्स वाली, मुझे क्वाड्रेटिक्स की आंसर की वाला पेज प्लीज भेज दो, सिर्फ क्वाड्रेटिक्स की आंसर की वाला पेज बस भेज देना, ठीक है? चलो सुनिए बच्चों, मुझे प्लीज ये बताइए कि हमारा लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे। आपको मालूम है कि हम इस AS लेवल पे अभी मैथ्स के लेक्चर का आगाज कर रहे हैं, और मैथ्स के इस लेक्चर में, मुझे प्लीज बताएंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे। सर हम एलजेब्रा तो पढ़ चुके थे, फिर हमने ग्राफ्स पढ़ना, असल में तीन टॉपिक्स हैं वो इकट्ठे हैं बेसिकली, एलजेब्रा, ग्राफ्स एंड फंक्शंस। इनको अलग अलग से पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? बेसिकली ये तीनों एक ही चैप्टर बनता है, एलजेब्रा, ग्राफ्स एंड फंक्शंस, ठीक है? एलजेब्रा, ग्राफ, ऑल्दो मैंने आपको एलजेब्रा अलग पढ़ाया, ग्राफ्स की बेसिक्स जो है वो अलग पढ़ाई, और अभी मैं आपको इनफैक्ट क्या करा रहा हूँ, अभी मैं आपको इनफैक्ट फंक्शंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सो यू नो टॉपिक जो था हमारा, अगर आप मुझसे टॉपिक पूछेंगे तो इट वॉज ग्राफ्स ऑफ, हाँ ग्राफ्स ऑफ, इधर इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए, ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ाया जा रहा था, ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस। अगर बेटा आप गौर करें तो ग्राफ्स का लफ्ज, एलजेब्रिक का लफ्ज और फंक्शंस का लफ्ज, ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस, तीनों इकट्ठे मैंने एक ही जगह पे इस्तेमाल किए हैं। तो व्हाट डज इट मीन सर? इट मीन्स के ग्राफ्स और फंक्शंस और एलजेब्रा सब ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीजें हैं, ठीक है? फिर हमने किया क्या, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा जी वो क्या बोलते हैं, एलजेब्रिक फंक्शंस में लीनियर फंक्शंस, हमने सबसे पहले पढ़ा ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शंस, ग्राफ्स, ये ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस, उसके नतीजे में हमने जवाब निकाला था क्या, कि सर वो क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस इज व्हाट, एक ये टॉपिक था। और एक सेकंड रुकिए, दूसरा हमारे पास टॉपिक क्या था, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ओके। अच्छा अब ये नहीं, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान दीजिए, अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई, अब जब अजान होगी तो मेरी बिल्कुल आवाज आती है मुझे, मैं आपको ब्रेक दूंगा। तो ग्राफ ऑफ, ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शंस और ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस में जो हमारा जवाब बनता है, व्हाट इज ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन क्या होता है भाई, प्लीज बताएंगे सर, व्हाट इज इट? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और स्ट्रेट लाइन के कितने कैरेक्टर्स होते हैं सर? दो ही तो उसके कैरेक्टर है। व्हाट आर द, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन? इट इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है? वो स्ट्रेट लाइन और ये कर्व्ड लाइन, जो है इसमें दो बातें, दिस इज अ सिमेट्रिकल कर्व लाइन, कर्व लाइन तो है लेकिन एक ऐसी है सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन, व्हाट इज इट? अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन, व्हाट अ सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन। और वो जो सिमेट्रिकल कर्व्ड लाइन है हम उसको क्या बोलते हैं सर? वी कॉल इट पैराबोला, वी कॉल इट पैराबोला। नाउ यू नो अगला हमारा टॉपिक क्या था, अगला हमारा टॉपिक था कैरेक्टर्स ऑफ लाइन। यहां पर अगर हम पढ़ाएं आपको, तो हमने यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया, कैरेक्टर्स
ऑफ अ लाइन. प्लीज मुझे बताएंगे कि लाइन के कितने कैरेक्टर्स पढ़े थे आपने? आपने लाइन के दो कैरेक्टर्स पढ़े थे, टू कैरेक्टर्स ऑफ अ लाइन. आपने किसी भी लाइन के टू कैरेक्टर्स पढ़े थे, कौन कौन से, कौन कौन से? सर एक आपने पढ़ा था, एक आपने पढ़ा कि लाइन का होता है क्या, लाइन का होता है क्या, टू कैरेक्टर्स ऑफ अ लाइन आर ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट. जी जनाब, क्या क्या पढ़ा था आपने? सर आपने पढ़ा ग्रेडियंट एंड, नंबर वन ग्रेडियंट एंड नंबर टू वाई इंटरसेप्ट. जी तो भाई ये तो स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए. फिर जब बात आई किसके ऊपर, फिर जब बात आई क्या कहते हैं इस पैराबोला के ऊपर, तो हमारा वैसे अगला जो टॉपिक बनता था, अगला जो हमारा यहां से आगे का जो टॉपिक है वो क्या था कि सर क्या चीज, सुनो जी, कैरेक्टर्स ऑफ पैराबोला. आई थिंक इस वक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो करंट जो टॉपिक है, व्हाट इज इट, इट इज कैरेक्टर्स ऑफ अ पैराबोला, ठीक है जी, कैरेक्टर्स ऑफ अ पैराबोला. प्लीज मुझे बताइए पैराबोला के कितने कैरेक्टर्स पढ़ाने थे? सर 10 कैरेक्टर्स पढ़ाने थे, 10 कैरेक्टर्स ऑफ पैराबोला, 10 कैरेक्टर्स पढ़ाने. तो जब आपने 10 कैरेक्टर्स पढ़ाने हैं, ठीक है जी, तो उन 10 कैरेक्टर्स में से हमने सिर्फ और सिर्फ एक किया था अभी तक, हमने सिर्फ और सिर्फ एक किया था अभी तक. कौन सा जी, कौन सा किया था? शेप ऑफ अ पैराबोला, शेप ऑफ अ पैराबोला. और उस शेप के बारे में मुझे अगर आप प्लीज बताइए कि मैंने आपको क्या शेप पढ़ाई है, क्या शेप पढ़ाई है कि सर वो वर्टिकली अप होगा या वो वर्टिकली डाउन होगा. इट इज डिपेंडेंट अपॉन क्या, जो आपका एक्स स्क्वायर है, जो आपका एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशियंट के ऊपर डिपेंड करता है. शेप ऑफ द पैराबोला कब होगा, कब और कैप होगा. कब मतलब ओपनिंग, ओपनिंग किधर, ओपनिंग अपवर्ड्स होगा. कैप मतलब ओपनिंग, ओपनिंग ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, मतलब वो यूं होगा या वो यूं होगा. ये कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन क्या, द कोफिशियंट ऑफ ए, इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट डिपेंड्स अपॉन द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दैट इज क्या चीज, दैट इज जब आप लिखते हैं फंक्शन को किस शक्ल में, जब आप लिखते हैं फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में, प्लस सी की शक्ल में, तो जो आपका कौन होता है, तो जो भाईजान ये जो होता है, क्या नाम है इसको, क्या बोलेंगे, ए, हाँ जी सर, ये जो ए है, इट इज ऑल्सो नॉट द, अच्छा ये ग्रेडियंट नहीं है, नहीं ये ग्रेडियंट नहीं है. इसको हमने बताया कल क्या लफ्ज दिया था, ओपनर, ओपनर ऑफ द पैराबोला, के जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ ओपन होगा या जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ ओपन होगा, समथिंग लाइक दैट. लेकिन मैंने कहा नाम रखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ए पॉजिटिव हुआ, अगर क्या हुआ, अगर ये यू नो इस केस में क्या होगा, ये तब होता है, ओपनिंग अपवर्ड्स कब होता है, जब ए पॉजिटिव होता है, और ओपनिंग डाउनवर्ड्स कब होता है, जब ए नेगेटिव होता है, ठीक है, जब ए नेगेटिव होता है, ठीक है, ठीक है जी. सो मुझे बताइए मैंने आखिरी लाइन आपको क्या लिखवाई हुई है, ताकि उस हिसाब से अपना लेक्चर डिजाइन करें. बल्कि एक सेकेंड, अजान हो रही है जी, अजान हो चुकी है, तो हम काम करेंगे, नमाज की ब्रेक लेते हैं, नमाज की ब्रेक लेते हैं, और नमाज की ब्रेक के बाद, ये मैंने पिछला लेक्चर रिव्यू कर दिया है, नमाज की ब्रेक के बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो 4-5 मिनट की नमाज की ब्रेक है, जल्दी से फर्स्ट नमाज पढ़िए एंड वापस आइए क्लास के अंदर.
जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी एएस लेवल्स क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आपको मालूम है कि हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी। हम इस वक्त आपके सामने है एलजेब्रा, ग्राफ्स एंड फंक्शंस, इन तीन बातों को मिलाकर पढ़ रहे हैं। और इन तीन बातों को मिलाकर हम किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस। रिव्यू मैं कर चुका हूं, मतलब जो पिछले लेक्चर का रिव्यू था उसको मैं बिल्कुल कर चुका हूं। अभी मैं स्ट्रेट अवे अपने आज के टॉपिक की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आज के टॉपिक की तरफ जाने के लिए मुझे, मैंने जो आपको पहला कैरेक्टर पढ़ाया है दैट इज शेप ऑफ द ग्राफ, उस शेप ऑफ द ग्राफ में वो कप है या वो कैप है, उस बात को थोड़ा सा मैंने आगे पढ़ाना है, ठीक है। वो कप है या कैप है वो कौन डिसाइड करेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डिसाइड करेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट डिसाइड करेगा, ठीक है। और लेट मी टेल यू कि मुझे इसका जो सबसे सिंपल तरीन ग्राफ बनाना है, जो मैंने इसका सबसे सिंपल तरीन ग्राफ बनाना है वो क्या है, वो क्या है जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपल एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक काम करें जरा स्केच करें दो ग्राफ्स, स्केच द ग्राफ्स ऑफ किस किस के जी। पहला मैं बनाता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपल एक्स स्क्वायर और दूसरा मैं बनाता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी इससे ज्यादा तो सिंपल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या क्या करना है जरा सुनिएगा प्लीज। इसको समझाने के लिए लेट मी टेल यू कि एक्स एक्सिस में बिल्कुल इधर नीचे बना रहा हूं, वाई एक्सिस में बिल्कुल इधर दरमियान में बना रहा हूं, और जरा देखिएगा कि मैंने क्या ग्राफ बनाना है। लेकिन इधर इसको ड्रॉ करने के लिए इसका एक्स एक्सिस में बिल्कुल इधर ऊपर बनाऊंगा और इसका वाई एक्सिस में बिल्कुल इधर इधर कहीं बनाऊंगा, देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है और क्या इनके अंदर फर्क है। इसको तो मैं कहता हूं एक्स एक्सिस और आपको मालूम है ये कौन सा होता है, वाई वाला एक्सिस या फिर एफ ऑफ एक्स वाला एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है या फिर ये कौन सा, ये वाई है या फिर ये एफ ऑफ एक्स वाला एक्सिस है। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है बेटा वो मैंने बनाना है समथिंग लाइक दिस, क्या बनाया जी हमने, ऐसे। इसमें किसी को मसला है जी, बिल्कुल ऊपर की तरफ जहां तक ताल्लुक है इसका, इसको मैं बनाऊंगा कैसे, दो मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है ये लो जी ऐसे बना लो, अब ज्यादा फैल गया है, फैल ज्यादा गया है, थोड़ा सा दोबारा बनाता हूं। ये लो जी अब बिल्कुल ठीक है भाई। जी तो बच्चों इस बात में किसी को परेशानी है कि आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैंने ग्राफ बनाया, मैंने उसके ना ए लिखा ना बी लिखा ना सी लिखा, कुछ भी एक्स्ट्रा उसके साथ नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला कैसी है, इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व, व्हाट इज इट, इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व, ठीक है। अबाउट क्या, इट इज अ सिमेट्रिकल कर्व अबाउट वाई एक्सिस, मैं आप एक छोटा सा नोट लिखवाना चाहता हूं, इट इज अ symmetrical curve, it is a symmetrical curve about kya, about y axis, so this is a parabola jo ki ek symmetrical si curve hai about kya, this is about y axis, ek upar, is waqt asal mein humne na symmetry nahi dekhni, is waqt mujhe aapko sirf ye samjhana hai ek upar ki taraf hai ek niche ki taraf hai, x square ka coefficient positive tha to upar ki taraf tha, ठीक है, why are you not saying just a curve, it is symmetrical curve, मैं देखता हूँ इसकी symmetry समझाऊंगा थोड़ी देर में, आपको इसकी symmetry भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, don't worry,
डोंट वरी, थोड़ी देर में आपको इसकी सिमेट्री भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिल वक्त जस्ट ये देखिए, एक ऊपर एक नीचे है, एक का जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पॉजिटिव है, एक के एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट नेगेटिव है, ठीक है। दोनों को पे अगर आप गौर करें तो ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। खैर, इसका भी ओरिजिन से पास होना और इसका भी ओरिजिन से पास होना, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मतलब है, वो मैं भी आपको अगले कैरेक्टर में जाके समझाता हूँ, मैं भी आपको अगले कैरेक्टर में जाके समझाता हूँ, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, प्लीज अपनी लिस्ट में देखिए, अपनी लिस्ट को देख के बताइए कि आपके पास क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट कैरेक्टर। वाई इंटरसेप्ट, ओके जी, ओके जी। तो एक काम कीजिए प्लीज, नेक्स्ट कैरेक्टर के तौर पर, ये नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए क्या लिखेंगे आप, वाई इंटरसेप्ट कैरेक्टर नंबर टू। पहला कैरेक्टर था क्या, शेप ऑफ द पैराबोला। दूसरा कैरेक्टर है वाई इंटरसेप्ट, ऑफ द पैराबोला। लो जी, दूसरा कैरेक्टर है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला। पहले तो मुझे बताएं वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। इट इज द पॉइंट, पहले तो आप पिछले साल पढ़ते थे द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द वाई एक्सिस। अब मैं क्या कहूंगा, द पॉइंट वेयर द कर्व टचेस द वाई एक्सिस, क्योंकि इस वक्त पैराबोला की बात हो रही है ना, वाई इंटरसेप्ट ऑफ द पैराबोला की बात हो रही है ना। तो व्हाट इज इट, इट इज द पॉइंट वेयर, इट इज द पॉइंट वेयर द कर्व, वेयर द कर्व क्या करती है जी, वेयर द कर्व टचेस, ये एक लफ्ज है, इंटरसेक्ट्स ये लफ्ज है, कट्स द वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब ये भी हमें कहां से पता चलेगा, जहां पे पैराबोला ने वाई एक्सिस को टच करना है, वाई एक्सिस को कट करना है, ठीक है। वहां पे वैसे बुनियादी तौर पर होता क्या है, द पॉइंट वेयर द कर्व टचेस और इंटरसेक्ट और कट्स द वाई एक्सिस, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, सर जी वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है, वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। अच्छा, अगर वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो जरा गौर से मेरी बात सुनिए। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो लिखा है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने क्या करना है बेटा, सर जी ये जो एक्स इज इक्वल टू जीरो है यहां पे क्या कर लीजिए, एक्स की जगह जीरो पुट कर लीजिए एट वाई एक्सिस। एट वाई एक्सिस क्या होता है, एट वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जब आप इस फंक्शन में एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे क्या आएगा, ए इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी, क्या आ गया, जीरो प्लस जीरो प्लस सी, व्हाट इज इट सी, हाँ जी क्या वैल्यू आ गई आपके पास, जब आपने इसके अंदर एक्स की जगह जीरो पुट किया, एफ ऑफ जीरो किया, तो वाई का जो जवाब है आपके पास क्या आ गया, सर जी वाई का जो जवाब है वो क्या आ गया, सी आ गया। एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, एफ ऑफ एक्स बेसिकली सी होता है ना, सॉरी एफ ऑफ एक्स बेसिकली वाई होता है ना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, व्हाट इज इट, इट इज सर जी वाई होता है, तो आपके पास सी आ गया, सी इज क्या, सी इज द वाई इंटरसेप्ट। एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू सी होगी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, वाई इंटरसेप्ट कौन हुआ, वाई इंटरसेप्ट कौन हुआ, गौर करो जी एक बात पर, सर जी वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो ये हुआ। हमें दोबारा सॉल्व, हमें पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ क्या लिखने की जरूरत है,
वाई इंटरसेप्ट ऑफ द कर्व क्या होता है, हैं जी? यहां पे आपने काम किया, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं ये कह दूं द कॉन्स्टेंट टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं? द हेंस द कॉन्स्टेंट टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, हेंस द कॉन्स्टेंट टर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज द वाई इंटरसेप्ट। जी तो भाई, इस बात में किसी को परेशानी है? बजाय इसके मैं इसको सॉल्व करता फिरूं, बजाय इसके कि मैं इसको सॉल्व करता फिरूं, कि आप क्या करें जी सर, आप इसमें ना वो क्या बोलते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो वाई की जगह सी का जवाब आएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह सी का जवाब आएगा, ठीक है। व्हाट इफ इक्वेशन वाज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स पावर टू, जो भी होगा तो फिर उसका देखें। एक सेकेंड रुकिए, आपने मुस्तफा मुझसे मेरे ख्याल से ये वाला सवाल पूछा है कि सर इस इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट क्या है, पूछ ये पूछ रहा ना मुस्तफा फरूख, आप ये पूछ रहे हो ना इस इक्वेशन का वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो लेट मी टेल यू, इसका वाई इंटरसेप्ट है जीरो। चेक करो ये वाई एक्सिस को कहां टच कर रहा है, जीरो पे टच कर रहा है, जीरो पे टच कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है ना, यहां पे तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है। तो थोड़ी देर सबर करो, मैं समझाता हूँ, थोड़ी देर सबर करो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सो यू नो व्हाट, हमें कह रहे थे कि जो हमारे पास ए होता है, ए हमें क्या बताता है, ऊपर है कि नीचे है, सी हमें क्या बताता है कि वो वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, वो वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है। तो मैं इधर आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं, कुछ आपको मैं एग्जांपल्स देना चाहता हूं। वो क्या एग्जांपल्स हैं जरा गौर से सुनिएगा। नंबर वन असूल तो तय हो गया, असूल तो मुझे उम्मीद है तय हो चुका है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें, तो प्लीज बताइए क्या सीन होना चाहिए। सर जी इस केस में सी है ही नहीं, इसलिए इसको कहां से टच होना पड़ा, यहां से टच होना पड़ा, है जी। इसमें सी क्या था, इसमें सी जीरो है, सिंस सी इज जीरो सो वाई इंटरसेप्ट इज जीरो, सिंस सी इज जीरो सो वाई इंटरसेप्ट इज जीरो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा व्हाट इफ मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू की, बहुत गौरतलब बात है, बड़ी ही कोई जरूरी बात है, है नहीं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू की, तो प्लीज बताओ ये टू क्या है, एक्स स्क्वायर तो ये था, एक्स स्क्वायर तो सिंपल ये, व्हाट इज दिस सिंपल टू? आई बिलीव इसी ग्राफ को पकड़कर क्या कर दो, इसी ग्राफ को पकड़कर दो स्टेप्स ना, ऊपर ले जाओ, इसी ग्राफ को पकड़कर एक सेकेंड रुकिए प्लीज, हाँ जी कर्व सही नहीं, कर्व हो रही, कर्व करो जी, कर्व करो जी, कर्व करो जी, कर्व करो जी, ये लो जी, हाँ जी। अब मुझे बताइए ये क्या जगह होगी, हाँ जी ये कहां पे टच कर रहा है कर्व को, ये वाई एक्स को कहां टच कर रहा है? इफ दिस इज ओ फॉर ओरिजिन, दिस पॉइंट मस्ट बी क्या, दिस पॉइंट मस्ट बी टू, दिस पॉइंट मस्ट बी टू, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का, अब बताओ फिर क्या होगा, हाँ जी जी सर जी, ये जो आपने कर्व है,
अब जो है ना कर्व कितना ऊपर जाएगी, ये क्या था, दिस वॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है सर, आप इसको एक स्टेप उठाकर नीचे ले आए हैं, आप इसको एक स्टेप उठाकर, इफ दिस इज आई बिलीव ओवर ओरिजिन, दिस मस्ट बी क्या, दिस मस्ट बी -1। ये तो मैं बहुत ही आसान एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये तो मैं बहुत ही आसान एग्जांपल्स दे रहा हूं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए। एक्स स्क्वायर का मतलब था एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, तो जीरो वॉज द वाई इंटरसेप्ट, एक्स स्क्वायर प्लस टू था, टू वॉज द वाई इंटरसेप्ट, है जी, एक्स स्क्वायर -1 में -1 इज द वाई इंटरसेप्ट। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉन्स्टेंट टर्म होगी वो उसका एक्स, सॉरी एक्स नहीं, वाई इंटरसेप्ट होगा। कोई सवाल है जी, यहां तक किसी के पास कोई सवाल है? नो, ओके ओके जी, नाउ व्हाट। आगे आपको एक और टेढ़ी मेढ़ी सी एग्जांपल देता हूं, आगे मैं आपको एक और लेफ्ट कुछ भी रैंडम से एग्जांपल देता हूं। रैंडम से एग्जांपल ये लिखिए, इफ आई से आई हैव गॉट अ फंक्शन, आई हैव गॉट दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यू नो व्हाट, इफ इट इज, दो मिनट सब करो, 2x² प्लस 3x प्लस 5, लो जी 2x² -3x प्लस 5, लो। आप मुझे यहां से इस इक्वेशन को देखकर क्या बता सकते हैं, आप मुझे इस इक्वेशन को देखकर क्या बता सकते हैं? सर हम इस 2 को देखकर ये बता सकते हैं कि क्या होगा, कप होगा कि कैप होगी, सर इसको देख के बता सकते हैं सर कप होगा। अच्छा फाइव कौन है, सर इस फाइव को देख कर ये बता सकते हैं कि फाइव इसका कौन होगा, फाइव इसका कौन होगा, सर फाइव इसका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो दो चीजों तो कंफर्म है, दो चीजों तो कंफर्म है, क्या सर वाई इंटरसेप्ट इसका, यू नो कैसे ग्राफ बनाऊं, एक कर्व बनाऊं, कर्व बनाकर, अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, इसका मिनिमम मैक्सिमा क्या है, मुझे इतना पता है कि एक तो यू है और दूसरा इसका y इंटरसेप्ट 5 है, ये मुझे कंफर्म है, कप है और y इंटरसेप्ट इसका 5 है, पता नहीं, अब पता नहीं यू नो x एक्सिस ऊपर है, x एक्सिस नीचे है, x को कहां काटता है कहां नहीं काटता, इसकी मुझे कोई समझ नहीं है जी, वो मैं आगे अगले अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि इसके x इंटरसेप्ट्स क्या हैं, इसके x इंटरसेप्ट्स क्या हैं, वो मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा जी। यहां तक किसी के पास कोई सवाल है? x एक्सिस कहां ड्रॉ करना है मुझे नहीं पता, इसके एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक दफा करेगा, दो दफा करेगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, नो आइडिया। व्हाट माय आइडिया इज कि इसका वाई इंटरसेप्ट मुझे पता चल गया है और कब पता चल गया है जी। यहां तक कोई सवाल या जवाब करने की कोशिश करेंगे? व्हाई इज दिस नॉट अ रेगुलर पैराबोला? नहीं, इट इज अ रेगुलर पैराबोला, क्या प्रॉब्लम है इस पैराबोला के साथ? यार देखो मैं थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूं, थोड़ा सा तो कर्व आगे पीछे हो सकती है। इट हैज नो एक्स इंटरसेप्ट्स, इट हैज द एक्स इंटरसेप्ट्स बट आई डू नॉट नो, अभी तो थर्ड कैरेक्टर पढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ मुकम्मल होगा ना, अभी तो मैंने थर्ड कैरेक्टर नहीं पढ़ाया आपको, तो कैसे मैं मुकम्मल ग्राफ ड्रॉ कर दूं? एक्स स्क्वायर का आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कैसे मुकम्मल ड्रॉ किया था, यार वो एक्स स्क्वायर का इसलिए मुकम्मल ड्रॉ किया कि वो तो हमें बचपन से पता है यार, वो तो सर होता ही कर्व है और उसकी एक सिमेट्रिकल कर्व बनती है, ठीक है, और वो एक्स एक्स वो अबाउट वाई एक्सेस होता है। शुडंट इट बी, अल्लाह हू अकबर, यार तुम लोग क्या सवाल पूछ रहे हो यार, सिमेट्रिकल है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त इसका एक्स एक्सेस लो यार बना देता, ये लो जो लो यार जान छोड़ो। हाँ जी आप बताओ ना, अगर आप ये कहोगे कि सर ये क्या है तो मैं कहूंगा आई एम सॉरी, अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अब क्या पता एक्स एक्सिस इधर की बजाय ये ग्राफ क्या पता यूं होता, एक्स को टच ही ना करता फिर, अच्छा क्या पता ये यूं होता कि ये एक्स को सिर्फ एक दफा टच करा होता फिर, यार इसलिए नहीं बना रहा ना। अब एक्स एक्सिस इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस इधर भी हो सकता है, एक्स एक्सिस इधर भी हो सकता है, ये एक्स को टच भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है, वाई नॉट फ्रॉम द मिडल ऑफ फाइव, मिडल ऑफ फाइव क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इट्स नॉट दैट सिंपल, इट इज 2x² -3x + 5 is not that simple.
सबसे सिंपल तरीन कौन था? एक्स स्क्वायर। ओनली दिस एक्स स्क्वायर वन इज अबाउट वाई एक्सिस। इसकी सिमेट्री की लाइन वाई एक्सिस है, इसकी सिमेट्री की लाइन वाई एक्सिस है। जब दरमियान में इस तरह की कोई चीज आती है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तब्दील हो जाती है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो क्या होगी? वो वाई एक्सिस नहीं होगी। वो भी आगे एक टॉपिक है ना, वो भी आगे समझ आएगा। सिमेट्री कहाँ है कहाँ नहीं वो भी बाद में समझ आएगा। बच्चों इस वक्त तुम लोग एक्स्ट्रा पूछ रहे हो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पूछ रहे हो। आप में से कोई पूछा सर एक्स एक्सिस कहाँ होगा, कोई पूछा सर एक्स इंटरसेप्ट्स किधर होंगे, कोई पूछा सर इसकी सिमेट्री कैसे होगी। यार दो बातें समझो, इस ये टू पॉजिटिव है ना, पहली बात ये टू पॉजिटिव है ना बेटा, इसका मतलब है कप होगा। कप है कि नहीं बच्चों? अभी 10 कैरेक्टर पढ़े हैं, 10 कैरेक्टर्स पढ़े हैं। मेहरबानी करो थोड़ी देर सबर करो, नो क्वेश्चंस, नो, जितना मैं पूछ रहा हूं मैं उतना बताऊंगा आपको। मुझे ये बताओ, ये तुम लोगों ने पता नहीं कौन सी बीमारी है, मुझे नहीं समझ आ रही, इस बीमारी का नाम मुझे नहीं पता। क्या आपका दिल करता है कि मैं दो जुमले बोलूं और आपको सब समझ आ जाए? वो यार जादू थोड़ी हो रहा है, पढ़ा रहा हूं अलीफ अलीफ करके पढ़ाऊंगा ना, थोड़ी देर सबर करो। हाँ इस चलो एक बच्चा कहता है सर इस बीमारी का नहीं बोलते। इधर ध्यान दो यार, इस लफ्ज में किसी को प्रॉब्लम है? मैंने कैप बनाई कि कप बनाया? बच्चों जहां पे मैंने अभी ये कप कप के बारे में कोई सवाल है? नहीं, बात खत्म। इसका अकेली टर्म है, अकेली कॉन्स्टेंट टर्म है 5, तो इसका y इंटरसेप्ट होगा 5। y को ये 5 पे टच करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? y को f नहीं, तो बस बात खत्म ना यार। बाकी जो बात है वो सबर करो ना, उसके लिए थोड़ा सबर भी किसी चीज को बोलते हैं ना, उसके लिए सबर भी किसी चीज को बोलते हैं। लो जी हेलो, अब एक्सरसाइज कहाँ है? आई एम सॉरी मैं नहीं बता रहा, तो अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसीलिए तो कहते हैं कि दो लाइनों में थोड़ी ना बात खत्म होती। अगले पेज पे जाते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट पेज? नेक्स्ट पेज पे जी हमारे पास ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? इट इज एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द पैराबोला। अच्छा एक बात कहूं, दिस नॉट एक्स इंटरसेप्ट, इट माइट बी एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द पैराबोला। लो जी एक्स इंटरसेप्ट्स का सबसे पहला मतलब क्या है? मतलब कैसा है? इसका मतलब यह है द पॉइंट और द पॉइंट्स वेयर द कर्व टचेस कट्स इंटरसेक्ट्स व्हाट द एक्स एक्सिस। ओके जी, द पॉइंट्स वेयर द कर्व टचेस और कट्स द एक्स एक्सिस, वहां पे एक्स एक्सिस पर, ठीक है सर? गो बैक वन सेकेंड, आई नीड टू टेक स्क्रीन शॉट। ये स्क्रीन शॉट वाला जो है ना, ये नोट्स क्यों नहीं बनाता? सफी ख्वाजा साहब आपको नोट्स बनाने में क्या प्रॉब्लम होती? अच्छा याद आया, तो भाई थोड़ा स्लो राइटर है, स्लो राइटर साहब तस्वीर ले ली ये सफी, तस्वीर ले ली। यस सर आई हैव वेरी बैड राइटिंग स्पीड, डन। ओके ठीक है, सो यू नो क्या पढ़ा रहा हूं भैया, एक्स इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा था। The points where what happens, where the curve touches or cuts or intersects the x-axis, okay? Touches, cuts or intersects the x-axis, okay? At x-axis, what happens? Can you please tell me? At x-axis, क्या होता है? सर जी, y की value या f of x की value zero होती है। अच्छा, y की value मतलब y इक्वल टू जीरो, मतलब y इक्वल टू जीरो मतलब सर f ऑफ x की जो वैल्यू है वो जीरो होती है। अच्छा जी, ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है जी, है सर। इसमें इस f x की जगह क्या करोगे? इसमें ये जो आपने कहा है कि सर y जीरो होगा,
तो वाई जीरो का मतलब क्या है सर जी? वाई जीरो का मतलब है कि जो पूरा एफ ओफ एक्स है, ये पूरा एफ ओफ एक्स है, ये जीरो होगा। अच्छा, इसको जीरो करो। जीरो इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी? आपने एफ एक्स को जीरो कर दिया, आपने एफ ऑफ एक्स को जीरो कर दिया है, तो यार ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है सर जी? ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गया? ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताना पसंद करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का? सबसे पहला जो आपने ओलेवस में तरीका पढ़ा था, सबसे पहला जो आपने ओलेवस में तरीका पढ़ा होगा, है नहीं? सबसे पहला, यस सर, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का, सॉल्व इट। और मैं इसको कहां से सॉल्व करूंगा? बाय फैक्टराइजेशन। अब मुझे एक्चुअल में तो नहीं पता कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, लेकिन जो भी है, जो भी है, ए बी और सी जो भी है, अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं, तो ये क्या बनेगा सर? इट विल बी समथिंग लाइक ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। ऐसी चीज बनेगी ना? क्या बनेगा ये सर? जब आफ्टर फैक्टराइजेशन इट विल बी समथिंग लाइक ए एक्स प्लस बी, या फिर क्या, इंटू सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, या फिर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ओके हो गया। ये कौन सी फॉर्म है जी? फैक्टराइज्ड फॉर्म। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें? ए एक्स प्लस बी को जीरो कर दिया, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो है, तो यहां से आपको मालूम है क्या करते हैं सर? डिडंट वी लर्न इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट व्हेन शुड सी नॉट, अल्लाह हू अकबर, मोहम्मद अली थोड़ा गलत बोल रहे हो बेटा। डिडंट वी लर्न इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट व्हेन एफ ऑफ एक्स इज जीरो देन वाई इज इक्वल टू सी? नो, आपने कल सुना है, वहां पे एफ ऑफ एक्स पूरा जीरो नहीं था, वहां पे जस्ट एक्स की वैल्यू जीरो थी, तो आप ना इस इधर 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 ये एक्स की जगह जीरो पुट करते थे। यहां पे एक्स की जगह जीरो पुट करना और पूरे एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट करना डिफरेंट है। मोहम्मद अली थोड़ा सा गलत समझाया शायद आपने। एक्स की जगह जीरो का मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट है। एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह जीरो पुट करना है, तो होता है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, तो वाई सी आता था। अभी जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स की जगह जीरो, मैं कह रहा हूं वाई की जगह जीरो, मतलब पूरे का पूरा एफ ऑफ एक्स जीरो है। एक्स की जगह जीरो नहीं, इस पूरे एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट करना है, तो फर्क है बेटा, फर्क है, ठीक है। एक्स की जगह जीरो पुट करना और एफ ऑफ एक्स पूरे की जगह जीरो पुट करना डिफरेंट बात है, डिफरेंट बात है, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? आई बिलीव ए एक्स प्लस बी को जीरो करोगे एंड और सी एक्स प्लस डी को जीरो करोगे, तो यहां से आपके पास एक्स का जवाब आएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहां से एक्स का जवाब आएगा समथिंग लाइक माइनस डी अपॉन सी। तो ये कौन होंगे? दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट्स, दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट्स। सर वी कैन ऑल्सो फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट थ्रू कैलकुलेटर डायरेक्टली। हाँ, वो तो फिर अब आपने इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये वाली इक्वेशन आपने सॉल्व करने के कितने तरीके पढ़े बताओ जरा? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके पढ़े? आपने कैलकुलेटर भी पढ़ा है, आपने फैक्टराइजेशन भी पढ़ी है, आपने वो मिड टर्म, वो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ा है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर भी पढ़ा है, आपने तो फिर बहुत कुछ पढ़ा है भाई, जिस तरह से दिल करे करें फिर, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे फंक्शन की फैक्टराइज्ड फॉर्म को भी थोड़ा सा अहमियत देनी है, ठीक है। मैं समझता हूं कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? द एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन आर एक्चुअली द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कैसे? जरा नोट नोट सुनिए, जो आखिरी और जो अल्टीमेट असूल है, वसूल क्या है? बल्कि एक सेकेंड,
एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द पैराबोला क्या निकले, दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ क्या, दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ ऑफ द, दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ द of f of x is equal to 0. They are the solutions of the of the of the equation, solutions of the equation kaun si, f of x is equal to 0, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. Theek hai, they are the solutions of the equation f of x is equal to 0, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, that can be found by factorization method या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और डायरेक्टली फ्रॉम द कैलकुलेटर. ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा मैं इस फैक्टराइजेशन को. जी will it always have two x intercepts because of the shape of the graph. acha do honge ke ek hoga ke teen hoga. is ax square plus bx plus c ke jawab agar do aate hain to do intercepts hoenge. sometimes ek jawab aata hai to ek intercept hoega. sometimes koi jawab nahi aata, sometimes koi jawab nahi aata to koi intercept nahi hoga, koi intercept nahi hoga. samajh aaya, samajh aaya main keh raha hu, main keh raha hu beta. होता कुछ यूं है, होता कुछ यूं है कि sometimes, sometimes, सर ये सिर्फ तब होगा जब y इक्वल टू 0. असल में देखो बेटा, x इंटरसेप्ट्स निकाल लेना तो वो शक्ल पे तो नहीं लिखे होंगे. एक बात याद रखो, देखो कप है कि कैप है वो शक्ल पे लिखा है. कप है या कैप है ये उसकी शक्ल से जाहिर हो जाएगा, ये उसकी शक्ल से जाहिर हो जाएगा. लेकिन लेकिन कप कैप जब शक्ल से जाहिर होगा, ठीक है, फिर y इंटरसेप्ट उसका जो है वो भी सर शक्ल से जाहिर होगा, वो भी सामने लिखा आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है. लेकिन लेकिन हाँ, अगर आप शक्ल से जाहिरी चाहते हैं, शक्ल से जाहिरी चाहते हैं, तो आई थिंक उसको फिर फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए. शायद आप वहां मेंटली ओरली दो मिनट में जवाब निकाल लें. गौर से मेरी बात सुनिए, x इंटरसेप्ट को अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा x इंटरसेप्ट्स को डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है. सर जी, इनको डायरेक्टली निकालने का तरीका ये है कि हम फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ना लिखें. अगर फंक्शन फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, या तो फिर ये काम करें, या फिर एक काम करें कि सर उस फंक्शन में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी है उसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो आपका डायरेक्ट जवाब आ जाएंगे, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइज कर लें. फैक्टराइज करके पहली फैले फैक्टर को जीरो करें, फिर दूसरे फैक्टर को इक्वल टू जीरो करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा. बिकॉज एक्स इंटरसेप्ट्स के लिए एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां टच करेगा उसके लिए क्या चाहिए, वाई को जीरो पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करते हैं, ठीक है. जब आप वाई की जगह जीरो पुट करते हैं, या जब आप एफ ऑफ एक्स पूरे की जगह, वाई की जगह जीरो का मतलब है एफ ऑफ एक्स पूरे का पूरा जीरो कर दें, ठीक है. और इस एफ ऑफ एक्स जीरो का मतलब है कि इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. और उसको फिर सॉल्व करें बाय व्हाट, बाय फैक्टराइजेशन से करते हैं तो फैक्टराइजेशन से करें, मिड टर्म ब्रेक से करते हैं तो मिड टर्म ब्रेक से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करें, यू नो जैसे भी करते हैं वो करें उसको, ठीक है, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें. तो एक आ जाएगा आपके पास एक्स वन का जवाब, एक आ जाएगा आपके पास एक्स टू का जवाब, एक इंटरसेप्ट और फिर दूसरा इंटरसेप्ट, ठीक है. Will they always be able to be factorized? ये तो आप, ये तो सवाल पे डिपेंड करता है. नो, आई कांट से कि आप हमेशा, मैं इसीलिए कह रहा हूं बेटा, अब्दुल रहीम तीन मेथड्स लिखे हैं. फैक्टराइजेशन होती है तो बेटा फैक्टराइजेशन कर लेना, नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना,
वो भी नहीं होता तो सीधा सीधा कैलकुलेटर से कर लेना, तो सीधा सीधा कैलकुलेटर से कर लेना मेरा भाई, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं? नहीं? ओके, एक काम करो, जरा एक काम करो, ठीक है? एक करता हूं सवाल दोबारा, स्केच व्हाट? अब अगला सवाल सुनो, पिछले पेज पे क्या सीन था जी? पिछले पेज पे इसका स्केच आपने आधा अधूरा छोड़ा था ना, इसका स्केच आपने आधा अधूरा छोड़ा था ना, ठीक है? अब इसके स्केच को मुकम्मल करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, उससे भी हो सकता है। स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16। लो जी, स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने इसका इसका करना, प्लस 6x माइनस 16। जी, सबसे पहले मुझे एक बात ये बताइए सर, इसका वन देखकर क्या पता चलता है? इसके इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखिए, वो पॉजिटिव है, मतलब यहां कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है? प्लस होता है ना। इसके पॉजिटिव को देख के पता चलता है सर जी ये क्या है, ये कप है, ठीक है? माइनस 16 क्या है? माइनस 16 को देख के क्या पता चलेगा सर? ये उसका वाई इंटरसेप्ट है। ओके, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसमें ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? या तो फैक्टराइज करेंगे, या तो फैक्टराइज करेंगे, या फिर इसको, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लेंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है? खैर मुझे पता है इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसकी फैक्टराइजेशन होती है सर जी एक्स स्क्वायर, वो 16 को करो ना, 8 और 2, आई थिंक 8 और 2, यस 8 एंड 2, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16, फिर एक्स प्लस 8, फिर माइनस 2 एक्स प्लस 8, फिर क्या बना जी सर जी? एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो द एक्स इंटरसेप्ट्स आर क्या क्या जना सर? द एक्स इंटरसेप्ट्स आर एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 8, एंड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस 2। सो एक 2 पर और एक माइनस 8 पर इसका वाई एक्स इंटरसेप्ट है। व्हाट आर दीज? दीज आर द एक्स इंटरसेप्ट्स। लो जी, अब आपको एक्स इंटरसेप्ट्स पता है तो क्या आप इसका ग्राफ स्केच कर लेंगे? यस सर, इसका ग्राफ आप स्केच करना आसान है। कप बनाना है, कप बनाना है, ठीक है? वाई को माइनस 16 पे टच करें, एक्स को 2 पे और माइनस 8 पे टच करें, ठीक है? बनाओ बनाओ। देखो जी, एक बनाया सर जी इधर एक्स एक्सिस, बना लिया। एक बनाया सर जी इधर वाई एक्सिस, बना लिया, ठीक है? ठीक हो गया। अब सर जरा देखें, वाई इंटरसेप्ट कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहां होगा, माइनस 16 इधर होता है, ठीक है? एक्स इंटरसेप्ट में एक आता था माइनस 8, एक प्लस 2, प्लस 2 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, माइनस 8 कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है? और माइनस 16 थोड़ा और नीचे कर लें सर, थोड़ा और नीचे कर लें, बल्कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं सर जी, इसको ना इसको पकड़ कर ऊपर लेके जाते हैं, ताकि माइनस 16 सही से वाजिया हो, माइनस 16 ताकि सही से वाजिया हो। आई बिलीव ये 2 है और ये कहीं यहाँ कहीं माइनस 8 है। अब इसका स्केच सर 8 थोड़ा डिस्टेंस में रखा फॉर परफेक्ट कप शेप। अच्छा मैंने स्केच करना है यार, स्केच करना, एक सेकंड रुको, मुझे ना एक काम करता हूँ, आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कोई परफेक्ट शेप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे जस्ट स्केच चाहिए था। ओके, स्केच चाहिए, स्केच चाहिए,
लो जी स्केच देखो था। मुझे जस्ट स्केच चाहिए, जस्ट एक बात ये मेंशन करो सर ये कौन है, ये टू है, ये मेंशन करो सर ये कौन है, सर ये माइनस एट है, ये मेंशन करो क्या है, सर ये माइनस सिक्सटीन है, बात खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई एग्जैक्ट या परफेक्ट शेप या परफेक्ट स्केल की तो काम ही नहीं, मैं कोई कौन सा कोई स्केल ड्राइंग बनानी है, मैंने कौन सा कोई स्केल ड्राइंग बनानी है, नो स्केल ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, नो स्केल, बल्कि काम सुनो दो मिनट सुनो, पैराबोला सही करता हूँ, काइंडली गो टू द प्रीवियस पेज, दो मिनट रुको, ये मेरी पैराबोला होगी, ठीक है, इसमें वाई को इसने टच किया था कहाँ पे, एक्स को टच किया था कहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाना है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि यार ये टू है, और ये मैं कह देता हूँ ये कौन है, ये माइनस एट है, ठीक है, अच्छा वाई एक्सिस तो वैसे ही क्लियर होगा, फिर किधर होगा सर, वाई एक्सिस कहीं जीरो इधर होगा, वाई एक्सिस शुड बी इसके इधर, सर ये वाई एक्सिस हो गया, ओके ये कौन है सर, दिस इज माइनस सिक्सटीन, चलो इससे ज्यादा बेहतरीन स्केच नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बेहतरीन स्केच नहीं बनाया जा सकता। एनी क्वेश्चंस प्लीज। जी आज हमने दो कैरेक्टर्स पढ़े हैं, आज हमने दो कैरेक्टर्स पढ़े हैं कि वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए जस्ट शक्ल से पता चल जाता है, शक्ल से पता चल जाता है कि उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए या तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ती है, या तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ती है, या फिर सीधा सीधा काम करो, इसी चीज को ना कैलकुलेटर में पुट कर लो, अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालने थे तो बजाय इसके कि आप यूं करके सॉल्व करते खड़े, आपको कैलकुलेटर तो पेपर में अलाउड है ना, है बेटा कैलकुलेटर पेपर में अलाउड होता है ना, तो अगर आपको कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है तो आप क्या करो, इसको फ्रॉम कैलकुलेटर से सॉल्व करो किसको, फॉर इसको यूं लिखते हैं फॉर व्हाट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स, y की जगह लिखना था जीरो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट्स y की जगह जीरो, दैट इज क्या जी सर, जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, और इसका जवाब किधर से निकालें, फ्रॉम कैलकुलेटर, x1 कम्स आउट टू बी क्या आता था माइनस 8 एंड x2 कम्स आउट टू बी 2, लो जी इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अब वो कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि x इंटरसेप्ट्स पर y की वैल्यू जीरो होती है, तो जब y की वैल्यू जीरो होती है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दो जवाब आते हैं, दो जो जवाब आते हैं एक्स इंटरसेप्ट भी दिख रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट भी दिख रहा है, कप भी दिख रहा है, ठीक है, अब क्या रह गया, चौथी एप्लीकेशन क्या है, चौथी एप्लीकेशन क्या है बच्चों, सर इसका ये क्या है, मिनिमा क्या है, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, एक हो गया कप, हो गया कप या कैप, हो गया वाई को कहाँ टच करेगा वो हो गया, एक्स को कहाँ टच करेगा वो हो गया, ठीक है, मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा, टर्निंग पॉइंट क्या होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, एनीवन, नो, ओके ओके हो गया जी, ओके हो गया सीन, चलो ठीक हो गया जी, एक काम करें अभी किस चीज का लेक्चर लेते हैं अभी बेटा।